हेलो फ्रेंड्स, प्रोटीन शेक कब पीना चाहिए, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है प्रोटीन शेक पीने का, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम थोड़ा प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। अब प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसको अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं। हम मार्केट में लोग बहुत तरह के उनको नाम देते हैं, जैसे हो गया, एक तो बोलेंगे स्टेरॉइड, या तो बोलेंगे पाउडर, या तो बोलेंगे डब्बा। डब्बा टाइप भी कुछ लोग बोलते हैं कि डब्बा खाके बॉडी बनाई, डब्बा नहीं खाके बॉडी बनाई, डब्बा खाओगे तो बॉडी बन जाएगी, फिर उसके बाद शरीर खराब हो जाएगा। इस तरह से आपको लोग ज्ञान देते हैं। वो लोग भी देते हैं जिनको जिम का जी भी नहीं पता होता, डंबल का डी भी नहीं पता होता, प्लेट का पी नहीं पता होता है। वो लोग भी आपको ये बोलेंगे, ये डब्बा खाके बॉडी बना रहे, मैं खाऊंगा डब्बा तो भी बन जाएगी, सबकी बन जाती है, ये डब्बा खाके बॉडी बनाएंगे कोई परेशानी तो नहीं होगी। बहुत तरह के लोग ज्ञान पेलते हैं, बहुत तरह के प्रोटीन को नाम भी दिए जाते हैं। तो प्रोटीन एक्चुअल है क्या? प्रोटीन इज ए सप्लीमेंट, नॉट स्टेरॉइड। सप्लीमेंट मतलब जो फूड से चीज बनी होती है, सप्लीमेंट मतलब जो हम एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं उसको सप्लीमेंट कहते हैं। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन खाने से ही बनता है। प्रोटीन बहुत प्रकार का होता है, वीट प्रोटीन, एग प्रोटीन, वे प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुत तरह से बनता है। जो वे प्रोटीन होता है वो दूध से बनता है, जो एग प्रोटीन होता है वो अंडों से बनता है, जो बीट प्रोटीन होता है वो गेहूं से बनता है। तो खाने से ही प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बुरी चीज नहीं है। अब प्रोटीन का बेस्ट टाइम क्या है? प्रोटीन भी डिपेंड करता है आपके फेस के ऊपर, आप करना क्या चाहते हो, और डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी के हो, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। आपको पोस्ट वर्कआउट में एक प्रोटीन का स्कूप ऐड करना है, उसको आपको अपनी डाइट में रखना है, वो सबसे बेस्ट टाइम है। पूरे दिन में जब आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक स्कूप प्रोटीन रखना है, वो आपको पोस्ट वर्कआउट में ऐड कर देना है। दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ प्रोटीन, जब आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हो और आप नॉन वेजिटेरियन हो। ट्राई करना है सिर्फ वर्कआउट के बाद ही प्रोटीन स्कूप ऐड करें, उसके बाद हमें जरूरत ना पड़े। उसके बाद हम क्या करें, अपनी डाइट से प्रोटीन ऐड कर ले, जैसे एग हो गया जो नॉन वेजिटेरियन हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, तो उस तरह से हम बैलेंस कर सकते हो। पूरे दिन अलग अलग स्कूप नहीं डालने, सबसे बेस्ट टाइम है प्रोटीन का जैसे वर्कआउट खत्म हुआ उसके तुरंत 4 से 5 मिनट के अंदर अपने प्रोटीन शेक ले लेना है। दैट इज द बेस्ट टाइम, जब हम मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तब हमें प्रोटीन की इतनी ही जरूरत होती है, बाकी जरूरत पड़े तो डिफरेंट सोर्स से प्रोटीन ऐड करना है। अब मैं बात करता हूं वेजिटेरियन लोगों की। वेजिटेरियन लोगों में बात करूं तो प्रोटीन के सोर्सेज थोड़े कम हो जाते हैं। हमें अपनी बॉडी में जो प्रोटीन चाहिए होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से हमें प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो पूरी नहीं होती है। इसलिए पहला स्कूप तो आपको वर्कआउट के तुरंत बाद लेना ही है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जो आपने डाइट प्लान क्रिएट करा है उसमें आपने जो खाना ऐड करा है वेजिटेरियन लोगों ने स्पेशली, उसमें मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपने नाइट को दूध के साथ ऐड कर सकते हो। पोस्ट वर्कआउट में हमेशा पानी के साथ प्रोटीन लेना है, दूध के साथ नहीं लेना है। और जब आप दूसरा स्कूप ऐड कर रहे हो नाइट में तो वो आप दूध के साथ उसको ऐड कर सकते हो, तो आपकी प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाएगी। बेस्ट टाइम है प्रोटीन का हमेशा ट्राई करनी है कि हमें वर्कआउट के तुरंत बाद पी लें, वो सबसे बेस्ट और पीक टाइम होता है प्रोटीन लेने का। बाकी अगर आपको डेफिशिएंट में हो प्रोटीन के, आपका जो पर डे आप प्रोटीन ले रहे हो वो कम पड़ रहा है, स्पेशली वेजिटेरियन केस में सोर्सेस कम होते हैं हमें प्रोटीन लेने के, ट्राई करना है कि बाकी जितना भी हम अपना प्रोटीन पूरा करें डिफरेंट सोर्स से पूरा करें, प्रोटीन शेक से ना पूरा करें, सप्लीमेंट से ना पूरा करें, उसे हम डिफरेंट सोर्स से पूरा करें। अगर फिर भी उसके बावजूद आपको कमी पड़ती है प्रोटीन की तो आपको क्या करना है, सप्लीमेंट करना है, ऐड करना है, अपने प्रोटीन ऐड कर देना है, रात को दूध के साथ सोते हमें ले सकते हो तो आपका पूरा हो सकता है। और जो बंदा एक दिन में 3 या 4 स्कूप ऐड करता है वो लोग कर सकते हैं, जैसे कंपटीशन आपको खेलना है तो उस वक्त आप प्रोटीन का ज्यादा टेक कर रहे हो, जब फैट लॉस में ज्यादा जा रहे हो, कार्ब्स कम ले रहे हो, तो आपको अपनी डाइट जब आप क्रिएट करते हैं तो आपके बॉडी वेट के हिसाब से डाइट डिजाइन होती है, कितने ग्राम आपको पर डे प्रोटीन चाहिए होता है वो सब होता है। तो उस हिसाब से वेजिटेरियन के लिए अगर सोर्सेज कम है तो प्रोटीन ऐड कर सकते हो, अगर नॉन वेजिटेरियन हो सोर्सेज ज्यादा है तो एक स्कूप आपको ऐड रखना ही रखना है पोस्ट वर्कआउट में। क्यों रखना है? क्योंकि जब हम वर्कआउट कंप्लीट करते हैं तब हमारी बॉडी को तुरंत जरूरत होती है प्रोटीन की, हमारे मसल बिल्डिंग करने के लिए, जो मसल्स हमारे ब्रेक हुए हैं उनको रिपेयर करने में। अगर उस वक्त हम प्रोटीन शेक नहीं लेते, सपोज करो कि हम
खाना खा लेते हैं, तो खाना जब हम खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने में टाइम लगेगा, और जब तक मसल्स के लिए पास प्रोटीन पहुंचेगा तब तक मसल डेड हो जाएगा, हमारा मसल बढ़ेगा नहीं, इवन कि हमारा मसल कम होने लगेगा। अगर आपको आज पैसों की जरूरत है, 10 साल बाद वो आपको पैसे मिलते तो उन पैसों का कोई रोल नहीं रहता। वैसे ही जब मसल को प्रोटीन चाहिए होता है, अगर उस समय मसल को नहीं मिलेगा तो उस प्रोटीन का बाद में जाके कोई फंड नहीं है, क्योंकि वर्कआउट के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है मसल को, मसल का अच्छा ब्रेकडाउन हुआ था। इसलिए बेस्ट टाइम है प्रोटीन शेक लेने का पोस्ट वर्कआउट, वर्कआउट के तुरंत 1 से 5 मिनट के अंदर आपको अपनी पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक पी लेनी है। अगर जरूरत पड़े तो उसके बाद आप ऐड कर सको, ट्राई करना है नेचुरल सोर्स से आप अपने प्रोटीन को पूरा करें, आप उनको काउंट करके अपने डाइट में प्रोटीन का ऐड करें ताकि आपको प्रोटीन शेक की जरूरत ना पड़े। और प्रोटीन कभी गलत नहीं होता है, प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मसल्स प्रोटीन से ही बनते हैं, और जो सप्लीमेंट्स होता है वो किससे बनता है, वो नेचुरल फूड से ही बनता है। जो मार्केट में प्रोटीन मिलता है वो नेचुरल फूड से ही मिलता है, वो गलत बिल्कुल नहीं है। अगर उसको आप ऐड करते हो तो आपके लिए गलत नहीं है, वर्कआउट करोगे तो ही प्रोटीन को ऐड करना है, अगर वर्कआउट नहीं करते हो तो आपको अपने डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं ऐड करना है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं होती है। जब हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, मसल ब्रेक करते हैं, तो जाके हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसलिए बेस्ट टाइम है प्रोटीन पीने का पोस्ट वर्कआउट। भले आप वर्कआउट सुबह कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, दिन को कर रहे हो, रात को कर रहे हो, कोई भी टाइम में आप अपना वर्कआउट करते हो तो उसके बाद आपको प्रोटीन पीना है। टाइम मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका वर्कआउट, कि आप किस टाइम पे वर्कआउट अपना कंप्लीट करते हो उसके तुरंत 5 मिनट में आपको प्रोटीन शेक ले लेना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें प्रोटीन शेक कब पीना है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।